हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 11 ऐसे अंधविश्वास या मिथ्स और सुपरस्टिशंस की जो हर एक प्रेग्नेंट मॉम को सुनने को मिलते हैं। सो गाइस, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द प्रेग्नेंट मॉम्स आउट देयर, यू नो, जिनकी ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है। बट उससे पहले मैं कहूंगी दैट बीइंग प्रेग्नेंट मींस इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको हर जगह से, हर इंसान जो भी आपसे मिलता है वो देता है। ऑफकोर्स वो आपके यू नो अच्छे के लिए आपके साथ शेयर करते हैं, बट देर आर टाइम्स यू नो व्हेन यू नीड टू नो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहां तक माननी चाहिए और कहां तक नहीं माननी चाहिए। गाइस, जो आज का हमारा पहला मिथ है वो है कि आपको दो के लिए खाना होता है, मदर के लिए और चाइल्ड के लिए। गाइस, ये सबसे बड़ा मिथ है। यू नो, आपको सिर्फ 300 टू 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करनी होती है व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, नॉट कि आप यू नो अगर आप 1500 कैलोरीज खाते हैं तो आपको 1500 और खानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ओनली 300 टू 350 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड, यू नो, एंड इन टोटल आपको 2000 कैलोरीज चाहिए होती है ऑन एवरी डे बेसिस व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट। सो यू नो द बेस्ट थिंग इज गाइज कि आप फोकस कीजिए नॉट ऑन कैलोरीज बट ऑन द क्वालिटी एंड द न्यूट्रिशन ऑफ द फूड विच यू आर इनटेकिंग, सो दैट आपका एक हेल्दी वेट गेन हो। यू नो, बहुत ज्यादा वेट गेन भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, उसके लिए जस्ट इंश्योर दैट यू जस्ट नीड टू हैव 300 टू 350 कैलोरीज मोर देन व्हाट यू कंज्यूम ड्यूरिंग अ डे। मतलब अगर आप सपोज 1700 कैलोरीज लेते तो आप 2000 कैलोरीज लीजिए, सो इन टोटल यू नो इट शुड नॉट बी मोर देन 2000 कैलोरीज अ डे। इससे क्या होगा, आपका एक हेल्दी वेट भी मेंटेन रहेगा एंड आपके बच्चे को सारा न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। सो गाइज, जो ये कहते हैं कि आपको दो लोगों के लिए खाना है, ये बिल्कुल अनट्रू है, दिस इज नॉट राइट। सो यू नीड टू स्टार्ट ईटिंग यू नो वेरी जुडिशियसली, मतलब बहुत ही वाइसली आपको अपना खाना चूज करके खाना चाहिए। सो गाइज, अब हमारा सेकेंड मिथ है दैट इट इज नॉट सेफ टू टेक लॉन्ग बाथ्स व्हाइल यू प्रेग्नेंट। मतलब कि आप बहुत देर तक यू नो नहाना नहीं चाहिए जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं। बट गाइज, यू नो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे यू नो मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, इससे यू नो बच्चे में डिफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, बट ये सब गलत है। यू नो आपको किस बात का ध्यान रखना है, आप लॉन्ग बाथ लीजिए, जरूर लीजिए, इट कैन बी रिलैक्सिंग, बट आप हॉट वाटर से मत लीजिए। ओके, दिस इज द कैच हियर, हॉट वाटर लॉन्ग बाथ्स आर नो अ बिग नो नो। आप ल्यूक वॉर्म वाटर में नहाइए, आप यू नो अच्छे एक डेली नॉर्मल टेम्परेचर के पानी पे नहाइए, बट नॉट इन वॉर्म बाथ, दैट इज अ बिग नो। सो यू कैन टेक लॉन्ग बाथ्स गाइज, मैं तो आपको कहूंगी जरूर लीजिए, बिकॉज आई यूज टू यू नो सबमर्ज माई सेल्फ इन वॉटर। मैं बाथटब में आई यूज टू गो एंड आई यूज टू लाइट सम कैंडल्स कभी कभी, जब ऑफिस से यू नो मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता था ओवर द वीकेंड। आई यूज टू पैम्पर माई सेल्फ बिकॉज यू नो दैट्स अ नाइस वे टू रिलैक्स योर बॉडी एंड योर माइंड। सो गाइज, अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो यू नो हार्ट बर्न होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो एक अजीब सी जलन होती है यू नो नियर योर हार्ट एरिया, ओके, दैट्स कॉल्ड अ हार्ट बर्न। एंड ये इसलिए होता है, यू नो लोग कहते हैं अगर आपका हार्ट बर्न हो रहा है मतलब कि आपके बेबी के बहुत बाल होंगे सर पे, बट ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज हार्ट बर्न इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, दैट्स द रीजन यू गेट द हार्ट बर्न, नॉट बिकॉज कि आपके बेबी के यू नो सर पे बहुत बाल होंगे। यू नो आपके बेबी के सर पे अगर बहुत बाल होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ योर जीन्स, ओके, एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आप इनटेक करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट मिथ है, जो नेक्स्ट अंधविश्वास है वो बेसिकली है कि आपको यू नो प्रेगनेंसी के टाइम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सो गाइज, यू नो दिस वॉज बीइंग टोल्ड टू मी एंड आई फॉलोड इट बिकॉज ऑफकोर्स फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, वी ऑल आर नर्वस। सो मैंने भी एक्सरसाइज नहीं की फॉर द फर्स्ट 4-5 मंथ्स ऑफ माई प्रेगनेंसी, बट वेन आई मेट सम यू नो समवन हु वॉज अ स्पेशलाइज्ड इन दिस प्री नैटल यू नो एक्सरसाइजेज इन ऑल, तो उन्होंने मुझे कहा ये तो करना बहुत जरूरी है एंड यू शुड एक्सरसाइज 20-30 मिनट्स अ डे, यू नो एवरी सिंगल डे फॉर 4-5 टाइम्स अ वीक, यू नो तो इतना आपको करना बहुत जरूरी है, इससे आपकी और बेबी की दोनों की हेल्थ
बहुत ही अच्छी रहेगी. सो दैट इज द रीजन यू नो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करना बहुत बहुत जरूरी है. एंड अनदर थिंग गाइज, मैं ये कहूंगी कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मेक श्योर आप मॉडरेट एक्सरसाइजेस कीजिए और किसी की प्रॉपर गाइडेंस के अंडर कीजिए. और अगर आपको लगता है कि नहीं आप कोई एक्सरसाइज यू नो नहीं कर सकते, सो जस्ट गो फॉर अ सिंपल 20-30 मिनट वॉक. यू नो इट विल रियली हेल्प यू. एंड बट गाइज, एक चीज का ध्यान रखिए कि आप सारी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस को बिल्कुल नो करिए. समथिंग लाइक यू नो स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, स्कीइंग और समथिंग विच इज लाइक यू नो विच हैज अ लॉट ऑफ डेंजर वेर इन यू नो यू कैन स्लिप एंड फॉल डाउन. तो ऐसी एक्सरसाइजेस आप बिल्कुल मत कीजिए. बट येस, प्लीज गो फॉर वॉक्स, प्लीज डू योगाज एंड डू इट फॉर 20-30 मिनट्स अ डे एंड एटलीस्ट फॉर 4-5 times a week. एंड ट्रस्ट मी गाइज, यू विल हैव अ वेरी हेल्दी एंड अ नाइस प्रेगनेंसी. नाउ अनदर वन इज गाइज कि मॉर्निंग सिकनेस जो होती है ना वो सिर्फ मॉर्निंग में होती है. ये सबसे बड़ा मिथ है. ओके, मॉर्निंग सिकनेस कैन हैपन यू नो ड्यूरिंग आफ्टरनून, एट नाइट. सो मॉर्निंग सिकनेस कैन हैपन ड्यूरिंग ऑल थ्रू आउट द डे. तो नाम उसका मॉर्निंग सिकनेस इसलिए होता है बिकॉज यू नो नोजिया होता है. एंड नोजिया ऐसे लगता है जैसे खाली पेट जब आपको वॉमिटिंग करने की फीलिंग होती है, उस टाइप फीलिंग को आप मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं. दैट्स वाई द नेम इज मॉर्निंग सिकनेस. बट इट कैन हैपन थ्रू आउट द डे, ऐसा कुछ भी नहीं है यू नो. एंड इसको यू नो ठीक से मॉनिटर करने का एक ही बहुत अच्छी चीज है कि आप फ्रीक्वेंट मील्स खाइए. मतलब कि आप कम कम इंटरवल पे छोटे थोड़े पोर्शन ऑफ मील्स खाइए, इससे आपको मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाएगी. एंड मॉर्निंग सिकनेस ना गाइज जनरली जो सेकेंड ट्राइमेस्टर की बिगिनिंग में ना खत्म हो जाती है. इट्स जनरली आप देखेंगे कि प्रेगनेंट वुमेन हमेशा उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा फेस करती हैं. एंड इफ यू ईट फ्रीक्वेंट मील्स तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी कंट्रोल रहेंगे एंड मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी. अनदर वन इज आई लव हैविंग कॉफीज एंड टीज. एंड यू नो मुझे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो सब लोगों ने कहा इतना कॉफी टी मत पिया करो, विच इज राइट. आई अग्री, ज्यादा आपको कॉफी नहीं पीना चाहिए बिकॉज इट इज गॉट कैफीन. बट यू नो हैविंग हाफ अ कप ऑफ कॉफी विल नॉट हार्म यू. लाइक आप 200 मिलीग्राम्स ऑफ कॉफी कंज्यूम कर सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम. बट आप डेफिनेटली उसको ओवरडू मत कीजिए बिकॉज इफ यू ओवरडू विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर बेबीज हेल्थ. बट 200 मिलीग्राम्स यू नो इज अ डिसेंट अमाउंट विच यू कैन हैव. सो गाइज गो एंजॉय योर कॉफीज. ऑल द मॉमीज आउट देयर हु फील स्ट्रेस्ड एंड हु वांट टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, प्लीज गो एंड हैव 200 मिलीग्राम्स, नॉट मोर देन दैट. सो गाइज द नेक्स्ट वन इज दैट शुड प्रेगनेंट वुमेन नॉट कंज्यूम चॉकलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो गाइज ये भी एक मिथ है. ऑफकोर्स चॉकलेट में भी कैफीन होता है. तो मैं आपको कहूंगी आपको अगर कभी खाने हैं तो आप मॉडरेट अमाउंट में खाइए. मतलब आप बहुत ज्यादा मत खाइए बिकॉज क्या होता है ना चॉकलेट के साथ दो प्रॉब्लम है. एक तो उसमें कैफीन होता है एंड दूसरा यू नो इट इज रियली हाई इन कैलोरी. सो बेसिकली आप कैलोरी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं विदाउट एनी न्यूट्रिशन. सो अगर आपका मन करता है चॉकलेट खाने का, यू डेफिनेटली ईट इट बट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मॉडरेट क्वांटिटी, सो दैट यू नो यू हैव अ हेल्दी वेट के. सो गाइज जो ये नेक्स्ट मिथ है ना, ये बहुत सारी क्या आई थिंक एवरी प्रेग्नेंट वुमेन के दिमाग में होता है. एंड उनको लगता है ऐसा कि यू नो वी शुड नॉट हैव सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. गाइज दिस इज द बिगेस्ट मिथ. यू नो अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन फ्री है, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सो यू शुड डेफिनेटली हैव सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज वेरी गुड. बट अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, सपोज यू नो आपको बेड रेस्ट बोला है या और किसी टाइप का भी कॉम्प्लिकेशन है, देन गाइज यू डोंट हैव टू इंडल्ज इन टू इट. यू नो इट्स बेटर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस लीजिए. बट इफ यू हैव अ कॉम्प्लिकेशन फ्री प्रेगनेंसी, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गो एंजॉय योर सेल्फ, यू नो मेक मोर बॉन्ड विद योर पार्टनर एंड हैव अ हैप्पी प्रेगनेंसी. कहते हैं दैट यू नो यू शुड नॉट कंज्यूम फिश ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड स्पेशली आई हैव अ बंगाली फ्रेंड एंड शी टोल्ड मी कि आंचली तो सबसे बड़ा मिथ है बिकॉज यू नो बंगाली लोग तो पूरी प्रेगनेंसी में फिश खाते हैं. बट इसका एक एक्सेप्शन है गाइज.
आप फिश जरूर खाइए, बट ऐसी फिश खाइए विच इज बेसिकली हाई इन ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स, यू नो. सो ऐसी फिश सामन इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. सो आप प्लीज सामन खाइए. एंड यू नो क्यों मना करते हैं हमें फिश खाने से, क्योंकि जनरली जो ये सी फूड होता है ना, ये मर्क्यूरी से कंटेमिनेट हो जाता है एंड विच इज नॉट गुड फॉर योर बेबीज डेवलपमेंट. सो इसलिए मना करते हैं. सो यू ऑप्ट फॉर समथिंग लाइक अ सैमन विच इज हाई इन ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स एंड दैट विल रियली हेल्प इन द ब्रेन डेवलपमेंट एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड. हमें फ्लाई नहीं करना चाहिए इन द एरोप्लेन वाइल बींग प्रेगनेंट. सो गाइज, इसके बड़े सारे यू नो एक्सेप्शन होते हैं. अगर आपकी डॉक्टर ने आपको स्पेसिफिकली मना किया देन डोंट डू इट. बट अगर मना नहीं किया, इफ यू हैव अ डिसेंट कॉम्प्लिकेशन फ्री प्रेगनेंसी, आप डेफिनेटली यू कैन गो इन द एरोप्लेन, यू कैन गो इन यू नो टू प्लेसेस वेयर यू वांट टू ट्रैवल. बट उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी. क्या होता है, आपको क्यों मना करा जाता है, क्योंकि दे से दैट अगर आप फ्लाई करते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट हो जाता है. वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप इतनी देर तक बैठे रहते हैं एक ही जगह पे. सो आई वुड सजेस्ट कि आप उठ के जो एरोप्लेन की आइल है यहां वहां पे आप थोड़ा सा एक वॉक कीजिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन. बट इन केस आपके डॉक्टर ने आपको फॉर सर्टेन रीजंस मना किया है, देन यू प्लीज लिसन टू योर डॉक्टर बिकॉज दे आर द बेस्ट जज. आपको कैट्स को पेट नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो गाइज, ये सबसे बड़ा मिथ है. आप कैट्स को प्यार कीजिए, उनको पेट कीजिए, बट प्रॉब्लम कैट्स से नहीं है, प्रॉब्लम कैट्स की यू नो फीसेस से है, मतलब उनकी पॉटी से है. सो जो कैट पॉटी करते हैं उसमें वो एक टॉक्सिन बनाते हैं जिससे कि यू नो प्रेग्नेंट मॉम्स कि बेबी को ब्रेन डैमेज हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, बहुत ज्यादा रिस्क हो सकते हैं. सो एज अ मदर, अगर आपके पास एक पेट कैट है घर में तो आप उसको पेट कीजिए, प्यार कीजिए, बट आप उसकी पॉटी या फीसेस को अपने हाथ से नहीं हटाइए. आप किसी और को कहिए वो इसको रिमूव करे बिकॉज इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ टॉक्सिन्स एंड दैट्स द रीजन पीपल से कि कैट नहीं रखनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपने ये सारे मिथ्स और सुपरस्टिशन, सारे अंधविश्वास सुन लिए होंगे जो जनरली सारी प्रेग्नेंट मॉम्स को बोले जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बट नाउ आपके पास लॉजिकल रीजन है हर मिथ को काउंटर आर्ग्यू करने का. गाइज, अगर आपके पास कोई ऐसे यू नो अंधविश्वास हैं जो आपको लगता है कि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन कीजिए. And guys, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. And for now, here's Mommy Saga signing off. Bye-bye.